जब भी एक शहर आकार लेता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आकार लेती हैं। सिर्फ एक शहर नहीं जन्मता है, उसके पीछे जन्मते हैं बहुत सारे व्यक्तित्व, बहुत सारे लोग जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं उस शहर को आकार देने में। आज एक ऐसी शख्सियत से आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं राउंड अप विद संजय सिलसवाल में, जिन्होंने लाइफ में शुरुआत की अपने राजनीतिक लाइफ में 10 साल पार्षद के रूप में ऋषिकेश नगर पालिका में काम किया। उसके बाद लगातार 15 साल उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में शहर में अपनी सेवाएं दी, और अपनी सेवाओं के दौरान कई महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किए जो आज भी शहर की दिशा और दशा को तय करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज मैं राउंड अप विद संजय में आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ उस शख्सियत से जिन्होंने पूरा भार अपने कंधों पर उठाया और ऋषिकेश शहर को इस मुकाम तक पहुँचाया। आज मिलाता हूँ मैं आपको बड़े भाई दीप शर्मा जी से। आइए। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। एक एक तरह का अनपॉलिटिकल एक एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए इंटरव्यू का। बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरव्यू आपने दिए होंगे। सर, पहला जो सवाल है हमारा आपसे कि कहाँ से शुरुआत हुई, मीन्स जीवन की शुरुआत और कैसे? जीवन की शुरुआत या सामाजिक जीवन की शुरुआत? पहले जीवन की बात करते हैं, फिर सामाजिक जीवन में कैसे उतरे उसकी बात भी करेंगे। जीवन तो नेचुरली जब आ गए धरती पे तो जीवन शुरू हो गया। ऋषिकेश पैदाइश है? नहीं, पैदाइश पंजाब की थी। अच्छा। लेकिन सेकंड क्लास में मैं ऋषिकेश आ गया था। ओके। और उसके बाद लगातार ऋषिकेश में एक जैन जूनियर हाई स्कूल हुआ करता तिलक रोड पे, वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन ली, फिर बर्तमंदर इंटर कॉलेज, फिर हमने भल्ला कॉलेज हरिद्वार से किया। उसके बाद फिर डिग्री कॉलेज दोबारा ऋषिकेश आ गए हम लोग, और फिर ऋषिकेश से एजुकेशन ली, और वहीं से जो है हमारा राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हो गया। ओके। तो जैसे हर एक के जीवन में एक स्ट्रगल की कहानियाँ होती हैं, हर एक जिंदगी एक स्ट्रगल से गुजरती है, आपने भी शायद बहुत किया होगा, तो क्या रहा, कुछ बताइए उसमें कि कुछ ऐसा जो ऐसा है कि हम एक किसी मोटिव के तहत इस फील्ड में नहीं आए। जस्ट जैसे थोड़ा एक्टिव थे, जैसे एक लाइफ में क्लास होती है, क्लास में कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं, तो एक जो हाईली एक्टिव जो लोग हैं वो हम क्लास में थे। और एक बार उन दिनों स्टूडेंट यूनियन के नए नए इलेक्शन शुरू हुए, तो हमारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने प्रपोज कर दिया कि इनको जॉइंट सेक्रेटरी लड़वा दिया जाए। ओके। तो 1981 में हम जो है जॉइंट सेक्रेटरी लड़ गए, फिर 1981 और 1982 दो साल लगातार जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर पास आउट हो गए, पीजी हो गई, फिर हम वहाँ से आ गए। ओके। और तो सर, हाँ, उसके बाद से जो जैसे कॉलेज छूटा, तो चूँकि वो एक NSVI कांग्रेस की छात्र विंग है, NSVI में अध्यक्ष बना दिए गए, तो कॉलेज में इलेक्शन लड़ाने की जिम्मेवारी आ गई। वो लड़ते लड़ते 3-4 साल गुजर गए, वो यूथ कांग्रेस की जिम्मेवारी आ गई उसे करते करते, और फिर 1988 में तब नगर पालिका 17 साल बाद नगर पालिका के चुनाव हुए थे, तब चूँकि एक्टिव थे लगातार शहर में तो वार्ड का चुनाव लड़ गए। ओके। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में टचवुड के लगातार 4 फर्स्ट, हाई स्कूल फर्स्ट, उस समय फर्स्ट क्लास बड़ी बात हुआ करती। सब्जेक्ट कौन से? हम हाई स्कूल तो साइंस साइड ही रहा शुरू से। ओके। और इंटर रहा, फिर उसके बाद जो BSc करी बायो से। ओके। और फिर MSc करी केमिस्ट्री से, और लगातार हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, PG ऑल 4 फर्स्ट थे। तो जब इंसान मोस्टली, जैसे आप बता रहे हैं कि एजुकेशन में एजुकेशन अच्छा रहा, एक अच्छा बैकग्राउंड आपका रहा और अच्छी शुरुआत रही एजुकेशन को लेकर के, मोस्टली लोगों के दिमाग में एज अ किड, जैसे आजकल भी आप देखते हैं आजकल के समाज में भी, कि बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा बेहतर है तो जी ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ऐसा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं था क्या फैमिली की तरफ से? हाँ, वो एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन वो लोग देते, ये कहते हैं पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ो, ये है। एक बार उन्होंने मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के पापा फार्म वार्म भी लेके आए, वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी दिया हमने, और मस्ती में दिया, इंटर करे और तैयारी कुछ थी नहीं, उन्होंने फॉर्मूला के दे दिया, भर दिया, आया मेरठ गया, उसका एग्जाम दिया CPMT का, अच्छा रैंक था पर सिलेक्ट नहीं हो पाया उसमें क्योंकि तैयारी कुछ थी नहीं हमारी। और उसके बाद फिर चूंकि डायरेक्शन कोई नहीं थी कि चलो अब इंटर कर लिया, अब ग्रेजुएशन कर लो, मार्क्स अच्छे थे, फर्स्ट डिवीजन थी तो साइंस साइड ले लो, साइंस साइड ले ली,
फिर ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न आ गई, सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं देखा, थोड़ा इधर सोचा साचा, इतनी देर में पीजी के फॉर्म भर दिया, पीजी केमिस्ट्री कर लो, बस ये सिस्टम था, वैसा पर्टिकुलर लाइन नहीं थी। सामाजिक जीवन में उतरने के लिए कुछ ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि या तो कोई पर्टिकुलर कोई प्रेरणा स्रोत है या जिधर लहर गई उधर मुड़ गए। हाँ, वो ऐसा था कि जब स्टूडेंट राजनीति में इलेक्शन लड़ गए, वो तो एक्सीडेंटली लड़ गए, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था और कोई सोच भी नहीं थी, लड़ गए तो जीत गए। जीत गए तो जब स्टूडेंट्स लाइफ में ही बहुत से ऐसे, क्योंकि यहीं डिग्री कॉलेज में हम लोग पढ़े, पहाड़ से लड़के आते थे पढ़ने के लिए यहाँ, तो बहुत ही अभाव में आते आ जाते थे, ऋषिकेश पढ़ना है, माँ बाप ने भेज दिया, लेकिन व्यवस्थाएँ नहीं होती थी। तो साइंस साइड में तो बहुत 15 जैसे पीजी में तो 15 स्टूडेंट होते हैं सारे, तो 15 स्टूडेंट में बड़े घुल मिल गए, तो फैमिली से उनको लगता था जैसे ना, मतलब ना तो उनके पास बढ़िया जूते हैं ना कुछ है, लेकिन फिर भी पढ़ने की इच्छा है, तो लगता था इनको हम हेल्प कर दें। हम भी बहुत कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी जो था तो हेल्प करते, तो एक ना अंदर से इच्छा सी हो गई कि जो लड़के हैं मतलब सबको बराबर सा रहना चाहिए, मिले तो रखते भी बराबर ही थे और थोड़ा सा हेल्प भी इतनी हो पाती थी वो करते थे। और वही जब हम कॉलेज से बाहर आ गए और फिर स्टूडेंट यूनियन में चुनाव उनाव लड़ाने लगे, फिर उन्हीं बच्चों के बीच में रहना, तो ऐसा लगता था कि जो फाइनेंशियली वीकर है उनकी थोड़ी सी सपोर्ट करें, सिर्फ पढ़ाई से मतलब था हमारा उस समय तक, तो कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, वो भी आगे बढ़ जाए, बस वही सोचाते रहे। और जब हम नगर पालिका में आए तो वही सोच नगर पालिका में आ गई, तब तो फिर वो कि गरीब लड़कियों की शादी करा दो, किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर दो, किसी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उसे बच्चे पढ़ा दो, या गेम्स में किसी को जाना है, मान लो गेम्स से अच्छा निकल गया, उसे अगर बाहर जाना है कहीं तो उसको हम चंदा वंदा करके थोड़ा पैसा से करते ताकि वो बाहर गेम्स में जा सके। अब जैसे आपने बताया अच्छा खासा आपका राजनीतिक और सामाजिक जीवन हो गया, मतलब 25 साल छोटा एक 25 की आप तो लाइक चार और जोड़ दें इसमें, तीन चार और जोड़ दें, लगभग 30 साल के आसपास का आपका जो सामाजिक जीवन हो गया। आपको लगता है कि सामाजिक उत्थान के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएँ काम कर रही हैं, आपको लगता है कि इतनी सारी संस्थाओं के इतने सारे लोगों के काम करने के बावजूद भी अभी कुछ एक उस पैटर्न में खामियां हैं, या कुछ एक चीज़ जो आप कहते हो कि ये अगर थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए तो सामाजिक तौर पे, राजनीतिक और एक तरह की सर्विस और जो नौकरशाही है उसके तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पे भी हम लोग उत्थान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये चीज़ें हम लोग थोड़ा सा इनको सही कर पाए। सबसे बड़ी जो समय ज़्यादा उनकी तो देखो NGO जितने हैं जहाँ पर फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया वहाँ पर आप समझो कि जो काम है ना वो सच्चे मन से होना मुश्किल है, अपवाद स्वरूप आप छोड़ दो, अगर किसी में इच्छा है काम करने की तो फिर तो वो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो काम शुरू करे। हमने देखा है अगर आपको कोई काम अच्छा शुरू करना आप शुरू करो, आपको सपोर्ट करने वाले ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, सिर्फ पैसा देने वाले को ये लगता है कि जहाँ मैं पैसा दे रहा हूँ वो उसी महीने में खर्च हो रहा है, अगर इतना किसी को विश्वास हो जाए तो फिर फंडिंग करने वालों की कमी नहीं है। और बाकी जो कमी मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक असमानता है हमारे यहाँ, अगर वो जो फाइनेंशियली वीकर है वो थोड़े अपलिफ्ट हो जाए, थोड़े एजुकेट हो जाए, तो मेरे ख्याल से समाज हमारा बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा हो जाए, फिर उनको बरगला भी नहीं सकता, फिर वो नहीं है कि इलेक्शन का टाइम आया आपने कुछ उसको लालच दिया और वो आपको वोट दे गया। जब ये सिस्टम ठीक हो गया, मतलब आपने अपने नुमाइंदे यदि आपने ठीक चुन लिए तो अपने व्यवस्था सारी ठीक होगी, बस वो नीचे से एक जो बेस है ना वो एक ठीक हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, यंग एज में भी होते हैं, आप हमसे बड़ी एज में भी होते हैं, 5 साल 5 बार 7 बार का जो मतलब 30 साल का जो एक्सपीरियंस है, लगभग 5 चुनाव का एक एक्सपीरियंस है सर, वो कौन सा मतलब सीक्रेट है आपके पास जो आप हर बार जनता के पास घोल देते हो और जनता जो है प्यार लुटा देती है आपको? देखो अगर आप अगर आप सच्चे मन से सेवा कर रहे ना तो उसका रिवार्ड आपको मिलेगा, अगर आप स्वार्थ के साथ, मैं आपके साथ स्वार्थ के साथ जुड़ूंगा तो कहीं ना कहीं आपके विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको पता लग जाएगा कि ये कहीं ना कहीं स्वार्थ है। ये बात एक्चुअली ये फॉर्मूला ये जो बात है ना हवाओं में होती है चुनाव के दौरान, कि इलेक्शन के दौरान जो हम लोग भी देखते हैं वो नोटिस करते हैं कि अभी तो दीप शर्मा फैक्टर नहीं चला है, मतलब वो फैक्टर में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसा क्या होता है कि कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ, हम जैसे मान लो मेरे सामने जो व्यक्ति आएगा वो इलेक्शन के टाइम पे आया, 5-6 महीने पहले आया, 5-6 महीने पहले उसने अपना ऑरा क्रिएट किया, बनाया सिस्टम, मैनेजमेंट किया और लग गया अपने काम में, लेकिन हम थ्रू आउट द ईयर
लगे रहते हैं ना, किसी शादी में भी, ब्याह में भी, बर्थडे में भी, आना जाना, दुख में, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना, किसी को ब्लड दिलवाना, मतलब ये काम थ्रू आउट चलता रहता है। उसमें यह नहीं होता कि ये मेरे को वोट देगा नहीं देगा, या इसने मेरे को वोट दिया कि नहीं दिया, मतलब ये सब चीज़ें किनारे रख के। अभी तो रिसेंटली तो यही चल रहा है कि हमारे वार्ड का मेंबर नहीं है, छोड़ दो, हमने तो अपने टाइम में जिन्होंने विरोधी थे उनके यहाँ भी उतना ही काम किया, जो सपोर्ट वाले उतना ही काम, तो उसका रिवार्ड कहीं ना कहीं मिलता ही है। आप आपका एक एक सूत्र क्या होगा, एक फार्मूला क्या होगा कि जैसे जिस फील्ड से आप आते हैं विरोधी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हम लोग एज अ राजनेता, एज अ पॉलिटिशियन आगे बढ़ते हैं तो हमें सबको एक नज़र से देखना होता है, आप ये चीज़ कैसे मैनेज कर पाते हो? ये इसके लिए दिल और दिमाग दोनों बड़े होने चाहिए, दिल भी और दिमाग भी खुला होना चाहिए। अगर ये खुला होगा, जब आपके भावना आएगी कि मैं मुझे एक पार्टी या एक वर्ग विशेष के लोगों ने नहीं जिताया, मैं इससे मैं नुमाइंदा पूरे शहर का बना, जिस दिन ये दिल में अंदर भावना आ जाएगी उसमें सब बराबर लगने लग जाएंगे। और वो फिर आपको क्या ऐसा लगता नहीं आपको कि मतलब कई बार कि जैसे कोई ऐसा आए कि आपको पता है कि ये मेरे फेवर का नहीं है, तो मतलब कभी दिल में ऐसी कोई भावना कि नहीं यार इसको अभी ऐसा होता है? इसमें बड़ा मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सपोज दो लोग हैं, एक मेरे पक्ष का है जिसने मेरे बहुत सपोर्ट किया, और एक ने मेरा विरोध किया, और दोनों एक ही काम के लिए आए, तब मेरा फर्ज बनता है जिसने मुझे सपोर्ट किया मैं उसे सपोर्ट करूँ। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने खूब विरोध किया लेकिन वो काम के लिए आया, कोई उससे किसी को नुकसान, मतलब उसका काम करने से मेरे अपने किसी आदमी को नुकसान नहीं, मुझे वो भी कर देना, मेरा कर जाना है, मेरे को लगना तो है नहीं, मुझे काम ही तो करना है, साइन तो करना है, ये फाइल तो चलानी है, मैं वो फिर मैं उसको सामने देता, फिर चाहे कोई हो, चाहे मेरा भयंकर से भयंकर विरोधी हो, तो वो भी अगर आया उसमें काम होना है, मान लो सीधे म्यूटेशन है, स्वामी घर का परिवर्तन, उसमें तो उसका अपने घर का है ना काम, और डिले हो रहा है, वो मेरे पास आ गया कि जी हो नहीं रहा, या कोई उसमें हल्की फुल्की अड़चन है, तो लाए कर दिया उसने, इससे नुकसान नहीं है। एक सबसे खूबसूरत समय जो ज़िंदगी का होता है, बचपन, आपका कैसा रहा? बचपन बहुत बढ़िया था। कोई यादें, कोई मतलब ऐसी चीज़ की? हाँ, मतलब हमारा जिसको याद करके आज भी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोग जो है नोटोरियस रहे शुरू से, और आपको एक चीज़, हमारे एक डिग्री कॉलेज में संस्कृत के वो प्रोफेसर थे पार्थार्थी डबराल जी, तो वो ये बोलते थे कि जो ज़्यादा शैतानी बच्चा होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, सिर्फ उस एनर्जी को डायरेक्शन देने वाली बात है। ये डिग्री कॉलेज में आके उन्होंने मेरे से एक बार कहा, एक बार जब ज़्यादा शैतानी करते तो उसकी ड्यूटी लगा दी, उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि आप इसको टैकल आप करेंगे एग्जामिनेशन में। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, कह रहा मैं दीप जी आपको ये जानता हूँ कि जो ज़्यादा एनर्जेटिक है वही ज़्यादा नोटोरियस होता है, सिर्फ अभी तक आपने किसी एनर्जी को पहचाना नहीं, आपकी एनर्जी ठीक टाइम पे ठीक डायरेक्शन में लगा दे तो उतना ज़्यादा लाभ होगा। तो अब मैं सोचता हूँ जो बचपन में हम ज़्यादा शैतानी करते थे, मैं शैतानी के अति, मतलब जितनी हो सकती थी ना उतनी शैतानी, कोई एक ऐसा वो आपको याद आता हो जिसको लेकर के आज भी आप दोस्तों के बीच में गुदगुदा देते हैं कि यार वो याद है तुझे वो वाली चीज़, दोस्तों को फ़ोन पर कई बार बात करते हुए आप उस किस्से को ले आते हैं, कोई किस्सा जो आप ऐसा हो आप शेयर करना चाहते हो? ऐसा होता था, हम हाई स्कूल में थे तो पैसे बहुत कम होते थे, तो फीस डे होता था, फीस हम स्कूल में माफ़ करा लेते थे, पेरेंट्स को तो पता नहीं, उनको पूरी फीस घर से ले लेते तो वो फीस पूरी मिलनी होती, वो फीस लेके हम लोग जो है फिर साइकिल पे हरिद्वार जाते थे पिक्चर देखने, ओ यहाँ से। और एक बार हम लोग गए और रायवाला के पास हमारी साइकिल पंचर हो गई, अब यदि हम पंचर लगवाएं तो पिक्चर के पैसे नहीं है, नहीं देख सकते है ना, और पिक्चर देखने जाना जरूर है, तो उसमें हम लोग जो है उसके फिर एक रिक्शा वाला जा रहा था, खाली हमने उस रिक्शा वाले को बिठाया, पानी वानी दिया, हमने तू रिक्शे बैठ हम रिक्शा चलाएंगे, और हम रिक्शा चला के मोतीचूर से आगे तक लेके गए, उसको बता दिया हमारे पैसे नहीं है पिक्चर देखने जाना है, और मोतीचूर तक हम रिक्शा चला के गए, रिक्शे वाले को मेरा दोस्त बन गया, फिर आगे वो ले गए चित्रा टाकी से हमारे को, वहाँ से पिक्चर गए, तब वापस आए हम यहाँ से, और तब तक यहाँ जिसके साइकिल खड़ी थी उसको हमने कह दिया पंचर उंचर लगा दे तेरे को पैसे की व्यवस्था हम कर देंगे, तब रेजगारी इकट्ठी करके पंचर उंचर लगाएंगे, तब हम दोस्त कैसे हैं? दोस्त हमारे इतने बढ़िया हैं, एक तो बचपन चूँकि यहीं गुजरा, और सारे लोग, मतलब अगर हम 80% के करीब कहें तो हाई स्कूल इंटर तक के जो लोग थे वो हमारे यहीं पर हैं, मतलब चड्डी बड़ी चाइल्डहुड लोग ही हैं, गंगा मैया के पर अभी भी कहते हैं आपस में, वो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि ऐसा क्या था हमारे यहाँ से कि हमारे ग्रुप में कोई आईएएस पीसीएल नहीं निकला, अच्छी पोस्ट पे बाहर नहीं गया, सारे यहीं के यहीं हैं, और हम जो है ना यहाँ पर वो अपने दोस्तों की वजह से,
जब मैं पहला चुनाव लड़ा 2003 में चेयरमैन का, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं चुनाव लड़ जाऊँ। ऐसे ही बैठे सारे आपस में, तो उन्होंने कहा तब सस्ते चुनाव हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा जी चुनाव की व्यवस्था क्या है। मैंने कहा मेरे पास तो मात्र इतने पैसे हैं, इतने कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो बजट बनाओ फटाफट। मुझसे तो 20 मिनट लगे कि लगभग इतना खर्चा होगा, उन्होंने इतने इतने करके हम कर लेंगे, चलो तुम चुनाव लड़ो और हम करते हैं। तो ये वही दोस्त हैं जो चड्डी बनाने वाले थे सारे। ऋषिकेश जैसे बोलते हैं ना बिफोर एंड आफ्टर, दीप शर्मा जी से पहले और अभी दीप शर्मा जी को शायद ये छोड़े हुए 3 या 4 साल हो गए हैं, 3 साल पूरे नहीं हुए, 3 साल पूरे नहीं हुए। तो बिफोर एंड आफ्टर जो ऋषिकेश है कैसे देखते हैं उसको? देखो जब अच्छा एक बार तो पहले आप जरा सा उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग या हम जैसे लोग ये नहीं जानते हैं कि 2000 जब आप आए उससे पहले ऋषिकेश क्या था। मैं वही बताना चाहूँगा। हाँ 2003 का जो ऋषिकेश था, जब मैं वोट मांगने जाता था ना, तो चंद्रभागा कुछ एरिया, सरवारा नगर तो पूरा ही, शांति नगर, इन एरियो में ना ऐसे करके पेंट उठा के ना ऊपर घुटनों तक उठा के तब जाना पड़ता था, या तो कीचड़ होता था, पानी भर रहता था। एक्चुअली घेरी हुई जगह थी, कोई ब्रांड तो था नहीं, लोगों ने जगह घेर ली और जैसे जिसको जगह मिली रास्ता मिला उसने अपना दिया। तो ये स्थिति थी वहाँ पर। और ये जो आवास विकास है, तो जब मैं पहली बार आवास, मुझे नहीं पता था कि फंड कैसे कितना आएगा, मुझे इतना अंदाजा नहीं था। आवास विकास में पूरे में सड़कें नहीं थी, सिर्फ एक मेन रोड बनी थी उसमें भी खड्डे थे, लोग जो अंदर घर थे ना वो गाड़ी बाहर खड़ी करके जाते थे, सड़क पे गाड़ी करके अंदर जाते थे। तो जब पहली मीटिंग हुई तो मैंने कहा कोशिश करूंगा मैं अपने पहले टेनर में बीच वाली रोड बना दूंगी, जो आवास विकास की मेन रोड है, जो स्कूल तक जा रही गुरु रामदास स्कूल तक, ये रोड बना दूँ। मतलब ये मैंने कमिटमेंट किया था। और जो गंगानगर वाला एरिया था वहाँ जो मेरी पब्लिक मीटिंग थी उसमें कहा था मैं अगर 20-25% आपकी सड़कें बना दूंगा तो मैं समझूंगा मेरा काम, 5 साल का काम जो है मेरा पूरा हो गया। और लोगों ने तालियां बजाई थी इस बात की, 25% सड़क बनवा दूंगा। और जो पहला टेनर था वो कुछ ऐसी कृपा थी कि एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बने और नपरवा जी नगर विकास मंत्री थे, वो हमारे मतलब बड़े भाई थे। तो आप ये देखिए कि 90% से भी ऊपर सड़कें हमने पूरे शहर मतलब में पहले टेनर में बनाई। उस दौरान आपको पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल कम आए या आए? नहीं आए, नहीं आए, नहीं। मतलब फंड भी खूब थे, सरकार पे खूब फंड थे, देने को खूब था। तिवारी का कंसेप्ट ये था कि जो लोकल बॉडी उनको मजबूत करो, जो सरकार जो पहली लोगों की जो जरूरत है ना वो चाहे ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका हो ये पूरी करती है, तो पहली जरूरत है इन्हें मजबूत करो, इनका कंसेप्ट था, ये फ्रंट रो है तो इसको। हाँ हाँ। और उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा फंड रखा, इतना फंड रखा कि कोई भी खर्च नहीं पाया पूरा। Okay. बजट में इतना प्रोविजन किया उन्होंने कि कोई भी पूरा खर्च नहीं पाया, क्योंकि सिस्टम ही नहीं था। तीन नगर पालिका भी एक जगह होता था, इसे पकड़ो उसे पकड़ो, फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा थी, मतलब प्रोजेक्ट को क्लियर कराने बहुत टाइम लगता था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी आसान भी किया, लेकिन तब तक वो टाइम पूरा हो गया। वो टाइम जो था हमारा वो गोल्डन पीरियड रहा, बस शहर की दिशा ही बदल गई एकदम से उसके बाद से। एक काम जो दीप शर्मा जी को ये लगता होगा कि मीन्स उन्हें कहा जाए कि क्यों याद करें आपको, तो दीप शर्मा जी बता सकेंगे ये मेरा सिग्नेचर है, मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव। ये आस्था पथ हमने जो है, ये तो छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको कैसे आस्था पथ बनाई है। कोई ऐसा हमारे तो कंसेप्ट नहीं था। 2.5 करोड़ रुपया कुंभ में 2004 का कुंभ था, 2.5 करोड़ रुपये उसमें बचा हुआ था। पीरियडी गेस्ट हाउस पर नपरबाज जी रखे थे, तो जैसे हमारे मिनिस्टर थे तो हम पहुँच गए, तो उनका 2.5 करोड़ रुपया इसमें बच रहा है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जो कुंभ से पहले पहले पूरा हो जाए। तो हम ऊपर खड़े थे, हमने कहा कि कोई ऐसी त्रिवेणी घाट से लेके प्रोटेक्शन वाल बना दो, कोई कुछ नहीं था, बरसात में पानी हर बार काट दिया था, कोई प्रोटेक्शन वाल बना दो यहाँ से लेके और ताकि जो है ये बचा रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है इसे बनवाते हैं, इसका प्रोजेक्ट बनाओ 2.5 करोड़ रुपये का, मतलब चूँकि फिक्स था अमाउंट। तो उन्होंने एक जल निगम से प्रोजेक्ट बनाया, तो 8 फुट चौड़ा और ये पूरा एक प्रपोजल बना दिया। उन्होंने कहा एक बार इसे एनडी तिवारी को दिखा दो, तो हम लोग उनके इंजीनियर को लेके एनडी तिवारी के पास गए। अब और एम्स का इस बीच उद्घाटन हो गया, मतलब वो शिलान्यास हो गया, शिलान्यास हो गया। तो हमने तिवारी कहा जी ऐसे ऐसे करके लगभग 3-3.5 किलोमीटर का है और ये अगर प्रोटेक्शन वाल बन जाएगी, सड़क भी बच जाएगी हमारी मेन रोड और लोग आने जाने के लिए ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा 8 फुट में क्या करोगे, 8 फुट की चौड़ाई में क्या करोगे आप, हम तो चुप। अब 50 साल बाद का सोचो, जब आप खुद कह रहे हो कि एम्स वहाँ आ रहा है तो एम्स के लोग आएंगे तो शहर बढ़ेगा, तो इसे 8 फुट के 8 मीटर करो। तो उन्होंने पैसा कह रहे पैसे के लिए मैं बैठा हूँ,
तो तुरंत इंजीनियर को ऐसा आ जाएगा आप इसे 8 मीटर का बना के लाओ, फिर इसमें कम से कम चौड़ाई 8 मीटर है सब जगह, बाकी ज़्यादा ही है उससे कम नहीं कहेंगे। और तब ये उन्हें प्रपोजल दिया और पैसा सेंक्शन किया बहुत जल्दी में, लास्ट टाइम बचा था उनका, तो पैसा सेंक्शन करके दे के उन्होंने तैयार करा के और डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र भी कर दिया पैसा, तब वो जाके बाद में शुरू हुआ। जैसे कि सामाजिक जीवन में बहुत सारे लोगों की एक कंप्लेन होती है, एक तरह से वो कहते हैं कि सामाजिक जीवन जो है ना बड़ी एक कुर्बानी मांगता है, और वो कुर्बानी है व्यक्तिगत जीवन की, फैमिली को टाइम दे पाते हैं? फैमिली को आजकल तो कोरोना काल में तो पूरा टाइम है, अदरवाइज तो सबसे ज़्यादा अगर सोशल लाइफ में सफ़र करता है तो फैमिली सफ़र करती है, क्योंकि टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। अब 4 बजे भी निकलना है सवेरे, 5 बजे भी निकलना है, और लेट नाइट भी आना है, खाने का भी टाइम नहीं है। तो यह इसीलिए मैं तो जब चेयरमैन बना था 2003 में, तो मैं एक ही हमारा लड़का है उसने हॉस्टल में डाल दिया, ओके, देहरादून, ओके। और वो आप ये देखिए, वो उस समय तो ऐसे लग रहा था कि टाइम ही नहीं है, बच्चा ठीक से हॉस्टल में पढ़ जाएगा, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब लगता है कि वो 2006 से हॉस्टल में गया था और आज तक वो घर में वापस नहीं आया। पहले देहरादून पढ़ा, फिर दिल्ली पढ़ा, फिर वो न्यूजीलैंड चला गया, वहीं जॉब लग गया। तो एक ही बच्चा है, वो 2006 में हमने डाला और वो गया, घर से गया। तो ये सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है सोशल सर्विस में, मिस करते हैं? बिल्कुल मिस करते हैं, क्यों नहीं करते? तो मीन्स क्या लगता है कि ये तो थोड़ा ये है कि अब वीडियो कॉल हो जाती है व्हाट्सएप की, जब ये नहीं होती होगी तो क्या होता होगा सोचो उस समय। सर आप में से सॉफ्ट कौन है, आप ज़्यादा सॉफ्ट हो उनको लेकर के या भाभी जी ज़्यादा सॉफ्ट हैं? नेचुरली माँ ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो वो आपके ऊपर नहीं, नेतागिरी के चक्कर में तुमने? वो हमने पहले सोच लिया था, ओके, ये तो हमने अपनी लाइफ में देख लिया था कि ना तो मेरे से पहले कोई हमारे यहाँ राजनीति में था और ना हमारे से बाद में, ठीक है, कोई नहीं, ज्वाइंट फैमिली हमारी, सब इकट्ठे ही रहते हैं, लेकिन ना कि भाई भतीजों में से कोई है, ना हमारे से पहले कोई था, ना हमारे फादर, ना हमारे खानदानों को पहले का। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि हम राजनीति में आना चाहते हैं, या आप लोगों को देख करके लगता है कि यार ऐसा ऐसा कुछ करना है जैसा दीप भाई ने किया, एक क्या सलाह होगी कि अगर इसको आप सेवा भाव रखते हैं और आप राजनीतिक उसमें आते हैं, तो क्या सलाह देंगे कि किस तरह से बैलेंस बनाना पॉलिटिकल लाइफ में और फैमिली लाइफ में, किस तरह से क्या? देखो अगर पॉलिटिकल लाइफ सक्सेस होगी तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, श्योर है, श्योर, या फिर फैमिली भी राजनीति में ही हो, दोनों एक साथ ही हो, तब हो सकता है फिर बच्चे सफ़र करेंगे, फिर बच्चे को हॉस्टल में डालो, नहीं तो या फिर पार्ट टाइम आप कर रहे हो राजनीति तो फैमिली के साथ हो, ये तो एक चीज़ तो डिस्टर्ब होगी, होगी पक्का होगी। शौक कोई? हाँ शौक थोड़ा फिजिकल फिटनेस के लिए, मतलब हर टाइम आप स्टूडेंट लाइफ से लेके कोई ना कोई गेम, स्पोर्ट्स, एथलीट, जिम या वॉक, आजकल कुछ ना कुछ चला ही चला, मुझे ऐसा नहीं, आज के टाइम में भी लगभग मिनिमम 16 किलोमीटर वॉक करता हूँ एक दिन, मिनिमम डेली, ग्रेट, कम से कम 3.5-4 घंटे। जो एक तरफ एक बार या कभी जो हेड ऑफ़ द काउंसिल रहे हैं या जो मतलब टॉप लीडर रहे हैं शहर के, उनसे ये कमेंट आना और उनसे ये चीज़ आना एक अपने आप में एक अच्छा लगता है कि हाँ 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 वो नहीं नहीं वो ज़रूरी है, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर लेजी रहे, तो शरीर लेथार्जिक हो गया, फिर क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं सुबह 2 बजे उठ जाता हूँ डेली, विदाउट फेल 2 बजे उठता हूँ, ओके, 2:30 बजे गंगा जी नहा लेता हूँ, 3 बजे चंद्रेश्वर मंदिर पहुँच जाता हूँ, ग्रेट, और 5 बजे वहाँ से वहीं गाड़ी खड़ी करके राम झूला, लक्ष्मण झूला, गरुड़ चट्टी तक जाना और आना वॉक करता हूँ, 7:30-8 बजे फिर वापस आता हूँ, ओके, डेली। एक अच्छा करियर आपका रहा पॉलिटिकल भी, और एक अच्छी लाइफ जर्नी आपकी अभी तक रही जैसा अभी पता चला, और हमने ऑब्जर्व भी किया है, सुना भी है लोगों से, अलग अलग सोर्सेस से आती हैं खबरें कि भाई आप पॉलिटिकल लाइफ रही है, सामाजिक लाइफ रही है, तो ज़्यादातर लोगों की बातें आती रहती हैं। कोई एक शिकायत है खुद से कि यार ये एक चीज़ रह गई या ये गलत हो गया मुझसे? गलत तो होता ही, काम करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता गलत नहीं, जिसको लेकर के आप मतलब रिपेंट इतना बड़ा कोई, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं, कई बार हो जाता है, या कोई शिकायत खुद से कि यार अगर मैं ये कुछ और कर देता तो कुछ और बात होती आज?
आपके करियर के लिए नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पे भी कुछ और बात होती है। सामाजिक तौर पे तो अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं, लेकिन है ना संसाधन, सरकार, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब सब चीज़ें अगर देखें, गवर्नमेंट को भी देखें, हम देखें, हमारी इनकम भी, नगर पालिका की इनकम भी देखें, तब शायद ऐसी कोई चीज़ छूटी नहीं। लेकिन वैसे बहुत कुछ करने को है। अब जैसे यही पीरियड था, अब मैं बता दूँ यही पीरियड था। एक्चुअली इसमें गवर्नमेंट का वो देखना पड़ता, गवर्नमेंट चाहती क्या है। अब इसमें जैसे उन्होंने कहा स्वच्छ भारत का अभियान था, तो इस स्वच्छ मतलब पूरी गवर्नमेंट इस पर लगी है कि हम सफाई पे टारगेट करें। अगर इस समय नगर निगम इस चीज़ को फोकस करता तो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। जैसे अब योग है, अब योग इंटरनेशनली एक योगा डे डिक्लेयर हो गया, ऋषिकेश एक वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा माना जाता है। अगर इसको नहीं, अभी इस चीज़ को इसी दिशा में नहीं आगे और हमने डेवलप किया तो ये टैग यहाँ से छिन जाएगा। मैं आपको कैसे कह रहा हूँ, हम लोग चाइना गए एक बार, चाइना की गवर्नमेंट की कॉल पे गए थे, तो वहाँ पर ना एक आपने देखा होगा वो कुंग फू जो एक मार्शल आर्ट है चाइना की है, वहाँ पर आके जाके जब हमने देखा तो वहाँ पर ऐसे एक रिवर है, रिवर के साथ कोई 25-30 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहाँ पर कुंग फू की यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है कुंग फू सिखाने की। मतलब मेन कुंग फू सिखाते हैं, बाकी पढ़ाते हैं बच्चों को। 50,000 बच्चे दूसरे देशों से आके वहाँ पढ़ते हैं। और जब हम गए वहाँ पर लगभग 132 मेयर थे, जब जा रहे थे वहाँ पर वो डेमो दे रहे थे, बच्चे सड़क के किनारे से जो पाथवे बना हुआ था उस पर कुंग फू प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब उस लेवल का वहाँ पर टीचिंग है, उस लेवल का सिखाते हैं, उस लेवल का सर्टिफिकेशन है। अगर उसको हम अपने यहाँ से कंपेयर करें तो वहाँ कुछ भी नहीं है, है ही नहीं कुछ भी, मतलब 0.01% भी नहीं है। तो अगर हमारे को, और अब ये जो टाइम आया है ये कोरोना वाला, अब तो लोग भाग रहे हैं योगा के पीछे, प्राणायाम के पीछे भाग रहे हैं लोग, ये कुछ इसमें डेवलप होना चाहिए। अब इसको ना तो सरकार उस लेवल पे लाना चाहती है, ना ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, एक्चुअली जो हमारे मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े कहते हैं सो कॉल्ड जो बड़े बड़े आश्रम हैं, उनको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे स्वामी रामदेव जी और एक ये अपना शांति कुंज वाले, इनके अलावा कोई कर ही नहीं जाए इस लेवल पे, और इस लेवल पे होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो आप ये देख लेना कि ख़त्म हो जाएगा। योग की बात आपने की और आप मैंने इससे हम चाहते थे, आपने पूछा ना क्या करना चाहते थे, तो ये मिसिंग है, एक छूटा हुआ एरिया है। तो अगर मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊँ और इसको दूसरे फ्रेम में लूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आम आदमी की अगर बात करें वो दाल रोटी नमक और अपनी दिहाड़ी और डेली वेज पे परेशान है, विजनरी होना और ब्रॉड प्लान को लेकर के विजनरी होना हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते, वो अपनी जीवनचर्या ढंग से चला ले वो बहुत बड़ी बात है, वो उसी में योगदान दे बहुत बड़ी बात है, शहर को साफ रख ले वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं समाज में जो विजनरी होते हैं, जिनमें से एक आप हैं, जिन्होंने मतलब अभी ये नहीं सोचा कि आज क्या होगा, जो ये सोच रहा है कि आज से 50 साल बाद मेरा शहर क्या होगा, 50 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा ये सवाल नहीं है, लेकिन मेरा शहर क्या होगा, उसको क्या चाहिए, वो उसके विजन में शामिल है। आपके विजन में क्या शामिल है कि मीन्स दीप शर्मा जी के विजन में ये है? मैं ये चाहता हूँ जैसे वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योग ऋषिकेश का नाम है, अब वो हालांकि नाम ये समझो महेश योगी जी हो गए, पुराने योगे स्वयं शिवन जी हो गए, महेश योगी हो गए या स्वामी राम हो गए, इनकी वजह से एक नाम मिला हुआ है हमारे को जी। अब उसको मेंटेन करना, क्योंकि आज तो कम्पिटिटिव है ना, और आजकल तो मार्केट का टाइम आ गया, हर वर्ल्ड में सब लोग देख रहे हैं कि क्या चीज़ ऐसी नया प्रोडक्ट लाएं जो सेलिंग होगी, सेल होगी जिसका जो चले। और हमारे पास तो सब कुछ बना हुआ है, नाम हमारे पास है ऋषिकेश का नाम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर योग के कोर्स और क्वालिटी वाइज वो कोर्स शुरू करने की जरूरत है। और इतना पैसा होगा ना, इतना पैसा होगा इसमें कि आप पूछ नहीं सकते। हम लोग जब चाइना गए तो वहाँ पर एक जियाजियो करके एक जगह है, तो जैसे कुंग फू है ऐसे ताईजी करके उनकी एक मार्शल आर्ट है, तो उन्होंने हमारे से MOU किया कि हम योग को यहाँ प्रमोट करेंगे, आप ताईजी को वहाँ प्रमोट कीजिए, अपने यहाँ प्रमोट करना, हम यहाँ से लोग वहाँ भेजेंगे। वो हो गया, पर चूँकि उसके बाद फिर टेनर पूरा हो गया तो उसके बाद उनका आया, तो यहाँ किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको। तो ये इतना नाम है ऋषिकेश का, आपको सिर्फ ना एक, क्योंकि अगर हम क्वालिटी नहीं देंगे तो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल। वही जो हमारा, हम लोग टाइटल के पीछे ही भाग रहे हैं कि हम विश्वगुरु थे, आज उस चीज़ को मेंटेन भले ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, विश्वगुरु तो वो तो अब हो गए ना, विश्वगुरु हमारे प्रयासों से नहीं हुआ, वो तो जिन्होंने किया उन्होंने सोचा नहीं, हो गया, उन्होंने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया। अब चूंकि वर्ल्ड में था नहीं तो हम लोग उसके विश्वगुरु हो गए, लेकिन अब तो कम्पिटिटिव है ना, अब तो अच्छे कोर्सेज यहाँ होने चाहिए। और आपको मैं बताऊँ
पता नहीं कितना बिजनेस होगा और कितने लोग यहाँ मिलेंगे। जब हम चाइना गए तो कम से कम 150 लड़के हमारे को बीजिंग और शंघाई के आसपास मिले, जो ऋषिकेश और आसपास के लोग थे जो हमें योग सिखा रहे थे। बिल्कुल, सिर्फ आप ऋषिकेश का कैसा ही सर्टिफिकेट हो योग का, आप जाएंगे और थोड़ा आपको योग करना होता आप इमीडिएट जाओगे। तो ये कब तक चलेगा? अगर और लोग जब सीखने लग जाएंगे योग के बारे में, जब सिखाने लग जाएंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे टाइटल भी खत्म हो जाएगा। इसको सेव करने की ज़रूरत है जो हम मिसिंग करते हैं। लेकिन ये बिना गवर्नमेंट के और बिना प्राइवेट जो बड़े सेक्टर हैं, बिना उनके ये होगा नहीं। अगर गवर्नमेंट, मैं तो कह रहा हूँ, इन्वाइट कर ले, लैंड ही अलॉट कर दे, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले हैं वो सब बढ़िया ढंग से इसको मेंटेन करके चलाएं, तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया काम इस एरिए के लिए है नहीं। और जो ऋषिकेश की पहचान हुई है योग में, वो मेंटेन भी रहेगी। नगर पालिका, नगर निगम, क्या फ़र्क लग रहा है आपको? देखो, सबसे बड़े जैसे कोई परिवार है ना, बेसिक नीड सबसे पहले क्या होती है उसकी, उसको भोजन मिल जाए, भोजन का बच्चे पढ़ जाए, फिर मकान हो गया, फिर आगे ऐसे ऐसे करके चलता है। तो जो नगर पालिका जिस समय हमने संभाली थी, 17 साल बाद तो चुनाव हुए थे, और फिर यूपी था पहले, यूपी में फंडिंग वंडिंग बहुत कम होती थी। सेकंड टर्म में आए तो 1997 में नगर पालिका बनी, 2000 में उत्तराखंड बना, और 2003 में अगला चुनाव। वो तो 2-3 साल में वैसे गवर्नमेंट कुछ नहीं बनी, तो 2003 के बाद जो टाइम आया वो थोड़ा ठीक टाइम आ गया, तिवारी जी भी आ गए थे जो मैंने आपको बताया। तो उस समय जो नगर पालिका में डेवलप हो गया, जो बेसिक चीज़ें थी ना, रोड, नाली, लाइट, पानी, ये सब चीज़ें भरपूर हो गई। ये सब जैसे 15 साल में गया, 7-8 साल में ये चीज़, फिर हम इससे ऊपर निकले कि अब टॉयलेट बनने चाहिए, अब ये बनना चाहिए, थोड़ा पार्क बनने चाहिए, थोड़ा ओपन जिम बनना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके इस और बढ़े आके। अभी जो नगर निगम का टाइम है, जिस समय हम लोग नगर पालिका छोड़ी, तो शायद 18 करोड़ रुपए के करीब बैलेंस था वो, चूँकि लास्ट के 7-8 महीने पहले बोर्ड डिजॉल्व हो गया था। तो ऐसा होता है कि लास्ट के टाइम पे जितना काम है सब करा दो, ताकि अगला इलेक्शन कम्फर्टेबल हो जाए लड़ने के लिए। तो वो जो किया, बाकी जो रूटीन का पैसा आता है, राज्य वित्त का पैसा आता है, सेंटर से पैसा आता है, उसके अलावा मेरे को लग रहा है प्रोजेक्ट बेस्ड पैसा आता है। एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या है कि जो मैं आपको कहता था, मान लो सफाई हमें गवर्नमेंट को देना, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सफाई, तो हम सफाई के प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट में दें, तो गवर्नमेंट का फंड उसने रखा वो आपको रिलीज करेगी। तो वो सिस्टम जो है ना, वो MNA जो हमारे आए उन्होंने, वो कभी नगर निगम में नहीं जाए तो PCS है, मेयर भी नहीं थी, मेंबर भी कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं थे, जो थे वो ठेकेदारी में लग गए, जो जिनको काम करना चाहिए था इस जमाने में वो सब ठेकेदारी में लग गए, जो नीचे लोग थे वो भी कोई निगमों में रहे नहीं। तो उससे जो है जितना स्पीड मिलनी चाहिए थी ना वर्क को, वो स्पीड नहीं मिल पा रही है। ओके, कोई लाइफ गोल अब आगे दीप शर्मा जी ने सेट किया, या महत्वाकांक्षाएं अभी आगे के लिए हों कि ये मेरी महत्वाकांक्षा है? देखो, महत्वाकांक्षा मैं अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, पर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो वह काम करना छोड़ देगा, है ना। तो महत्वाकांक्षा तो जरूर है। देखो, अगर हो सकता है आगे, अभी 2022 का इलेक्शन है, कि अगर चांस मिलता है, पार्टी चांस देती है, तो जरूर कंटेस्ट करेंगे, नहीं होगा तो फिर मेयर करेंगे। मैं उसी सवाल पे आ रहा था, आपने पहले हरी झंडी दिखा दी। हाँ, नहीं वो पक्का लड़े, अब ऐसा ना 60 साल की एज होगी जी, अब को फोटोग्राफी तो करेंगे नहीं, आगे दुकान तो खोलेंगे नहीं, इसी फील्ड में आगे रहेंगे। ओके, आपके विजन का ऋषिकेश अब क्या होना चाहिए? देखो, 2-3 चीज़ें हैं। लेक तो हम जहाँ बैठे हैं, ये सामने लेक है, जैसे टिहरी लेक में तो बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत छोटे से पार्ट में उन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू रखा है, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ शुरू हो सकती है। ओके, है ना, बस फर्क इतना है कि ऊपर और नीचे गवर्नमेंट एक होनी चाहिए, है ना, मतलब स्टेट की और सेंटर नगर निगम, नगर निगम सेंटर से कोई मतलब, ये एक होनी चाहिए। अभी भी हो सकता है, अब जैसे है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर यहाँ हो जाए तो काफ़ी युवाओं को नौकरी मिल जाए, काम शुरू हो जाए। जैसे एक बार राफ्टिंग शुरू हुई थी जब यहाँ, तो शुरू में लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, राफ्टिंग में क्या है, या शराब पियेंगे, फलाना किएंगे, जो विरोध करने वाला जो स्टाइल होता है सबका। लेकिन आज राफ्टिंग में बहुत बड़ा एक हमारा यूथ जो है जुड़ा हुआ, उस राफ्टिंग के बिजनेस में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ शुरू हो जाती है तो एक टूरिज्म का अट्रैक्शन भी हो जाएगा यहाँ आने का, और युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया योग वाला, अगर ऋषिकेश को ब्राइडर
लुक में अगर हमने देखना है। योग वाला जो आप इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, मुझे एक्चुअली मैंने पिछला एक इंटरव्यू किया था उसमें किसी ने मेरे को बड़ा एक अच्छा व्यू पॉइंट दिया इस चीज़ का, वही मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, उसी खांचे में मैं आपके सवाल को डालना चाहता हूँ कि ऋषिकेश तो है, नाम तो ऋषिकेश का है, लेकिन सब कुछ तो या तो टीरी के पास है, वो उनके रीति में है, वो सब या है। वो अब भी वहीं होगा, पौड़ी में है, देखो वो अब भी वहीं होगा। हाँ। नाम ऋषिकेश है, होगा वहीं। हम इसको सीमाओं में नहीं बांधते, इसको हम जो ना पौड़ी ऋषिकेश और देहरादून की सीमाओं में नहीं रखते। हम ये मान करते हैं और ऋषिकेश, नाम ही ऋषिकेश है, और जैसे यार राफ्टिंग है, नाम तो ऋषिकेश है ना, लेकिन हमारे जितने इस एरिया के सारे यूथ उसमें काम कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ में और यहाँ में। सीमाओं का तो फर्क है, टेरी और पौड़ी का लड़के तो वही, जो सिचुएशन यहाँ है वही सिचुएशन मुनिकरेती में, वही सिचुएशन पौड़ी में है। तो अगर प्रॉस्पेरिटी यहाँ आएगी, यहाँ कोई यात्री पटरी त्रिवेणी घाट पर आने नहीं आता। हाँ। यात्री जो पिलग्रिमेज आएगा जी, वो आएगा लक्ष्मण झूला के लिए, राम झूला के लिए, या एडवेंचर स्पोर्ट्स ही सब वही है, है सब कुछ वही है, नाम ही ऋषिकेश है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे कि ऋषिकेश, अगर वहाँ अगर कोई योगा सेंटर में ऋषिकेश काम करे तो कर ही रहे हैं लड़के, अब मुनिकेती कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, स्वर्गाश्रम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रॉस्पेरिटी तो सारी जगह आएगी। अब एक इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में बना, ऋषिकेश से कम से कम 10-12 बसें डेली यहाँ से हरिद्वार जाती हैं, तो वहाँ बना ना, उसका फर्क तो चारों तरफ है, चाहे नाम इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार है। युवाओं के लिए क्या सोच है अभी दीप शर्मा जी की, और क्या वो सोच रहे हैं आगे, उनका विजन क्या है? देखो युवाओं को तो रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको जो है ना, बिना रोजगार, चाहे वो अपना रोजगार हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ हो, कोई ना कोई व्यवस्थाएं ऐसी रखनी पड़ेगी और उनको भी डायरेक्शन ऐसी देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तो भविष्य बड़ा खतरनाक है। वैसे ही जो अभी लेटेस्ट जो टाइम चल रहा है, ये नौकरियों के लिए तो बहुत खतरनाक है, नौकरियाँ तो चेक हो रही हैं सारी। तो आपका क्या विजन है इस चीज़ को लेकर के, जैसे अभी आपने कहा कि कोविड एकदम से स्ट्राइक किया और नौकरियां जो थी अचानक चली गई, क्या ऐसा आपका विजन रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ हम करने वाले हैं जिससे युवाओं को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े? और नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम तो क्या कर सकते हैं उसमें, बहुत छोटे लेवल पे हैं, लेकिन जैसे जो लोकल एक्टिविटीज़ है ना वो प्रमोट होनी चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ स्पोर्ट्स हैं, कम से कम देखो 400-500 लोग आराम से इसमें एडजस्ट हैं, कुछ जॉब करेंगे उनके यहाँ, कुछ उसको बिजनेस करेंगे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ प्रमोट होनी चाहिए। जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ योग, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, सरकार तो सिर्फ ये कर दे कि किसी एरिया में ये 25 बीघा या 50 बीघा लैंड है, इसमें योग यूनिवर्सिटी खोलो, बहुत है खोलने वाले, अपने आप पैसा खर्चेंगे ना, पैसा सरकार को भी देंगे पैसा, यहाँ के लोगों को रोजगारी मिलेगा, टीचर कुछ टीचर बनेंगे, कुछ इंस्ट्रक्टर बनेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे ना, बिल्कुल। तो ये इसमें है कि बिना पैसे के, यानी कि बहुत पैसा, नाम ऋषिकेश का है आस पास, चाहे बेशक कुनाऊ में हो जगह, चाहे उरानी पोखरी में हो, चाहे नाम तो ऋषिकेश ही रहेगा ना, वो कहीं हो, जहाँ आपके जगह हो, ये जगह अलॉट कर गया पर्टिकुलर एरिया, पहाड़ों में तो हमारे यहाँ काफ़ी जगह जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, जहाँ खेती नहीं हो पा रही है, अब वहाँ शुरू कर, इसमें क्या दिक्कत है? एक और, अब धीरे धीरे हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं और आखिरी कुछ सवालों की तरफ मैं जा रहा हूँ। ऋषिकेश को आपने बढ़ते हुए देखा, आपको नहीं लगता कि अब शहर धीरे धीरे एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ रहा है अपने? सैचुरेशन कभी होता नहीं है, सैचुरेशन तो कभी नहीं है। आप ही तो यहाँ डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, आप बड़े मेट्रो सिटी में चले जाओ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 15-20 स्टोरी है, लेकिन उसके पीछे ऋषिकेश अपनी जो एक नेचुरल जो विकास होगा तो नेचुरल तो खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। अगर विकास होगा तो जिसको हम नेचर बताते हैं ना, वो तो डैमेज हो गया। तो आपको नहीं लगता कि कोई एक बैलेंस वे हो सकता है इसके बीच में, नेचर और उसके बीच में एक बैलेंस रख के? बैलेंस वे का काम तो ये जो प्राधिकरण बने हैं उसी लिए बने हैं ताकि उसको बैलेंस करें, मतलब वेल प्राधिकरण का मतलब जो इनका नक्शे पास करने का प्राधिकरण मतलब वो नहीं है, प्राधिकरण मतलब प्लैंड डेवलपमेंट, लैंड में कहाँ आपको ग्रीनरी रखनी है, कहाँ आपको पार्क रखनी है, कहाँ आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ रखनी है, क्या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ रखनी है, उनका प्राधिकरण का काम ही यही है। और लेकिन वो रास्ता भटक गया, नक्शे पास करने तक लैंड यूज चेंज करने से नहीं कर सकते। युवाओं के लिए कोई एक संदेश दीप शर्मा जी का? युवाओं के लिए तो एक संदेश है कि आप जो भी टारगेट सिलेक्ट करें, जो भी आपका गोल हो, उसे समर्पण भाव से उसके पीछे लग जाएं, डेडिकेशन से लगेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हाफ हार्टेड रहेंगे, ये कर लूँ या ये कर लूँ, ये कर लूँ या तो ये कर लूँ, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो दिक्कत। आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा हिस्सा जो युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणादायी हो सकता है? देखो मैं तो आपको अभी मैंने जैसे आपको बताया,
कि मुझे काम करने के लिए 2 बजे उठना पड़ता है, 2 बजे उठना पड़ता है। अब चूंकि मैंने जोड़ लिया, हालांकि पहले मैं 4 बजे उठता था, अब मैंने जोड़ लिया कि मुझे मंदिर भी जाना है, मुझे गंगा जी जाना है, तो उससे नेचुरली पहले 4 बजे के बाद के काम तो करना ही है, मुझे उससे पहले मंदिर भी जाना है, गंगा जी जाना है, तो उससे और पहले ले गया। तो अगर मुझे काम करना है तो अपना टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। टाइम मैनेज, जिसने टाइम को मैनेज कर लिया, आप समझो मोर देन 50% वो अपने काम में सक्सेस हो गए। ये एक्चुअली चैनल है हमारा बालाजी लाइव टीवी जी, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये इंटरव्यूज की जो सीरीज आ रही है तो आ ही रही है, इसके अलावा बेसिकली हम लोग तमाम जो हमारी यहाँ पे शहर में जितना भी हम लोग कैप्चर करते हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो हम कैप्चर करते हैं उसको हम लोग उनसे दिखाते हैं, ताकि उसको लोग दुनिया तक भी, देश दुनिया तक भी पहुँचे। जैसे अभी यहाँ पे एक म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ था तो हम लोगों ने पूरा उसको टेलीकास्ट किया था, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप उसके लिए 2 शब्द उस चैनल के लिए कहें कि देखो मैं तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं, अभी ये इसको मैं आपको थोड़ा और थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। देखो बालाजी स्टूडियो ने जब अपना सेटअप यहाँ पर बनाया तो नाम सुना था, और एक दिन शादी में हमने देखा 4-5 इनके लड़के ऊपर का यूनिफॉर्म में और टैगर लगे, कैमरे शैमरे में, बिल्कुल लगा शायद कोई बाहर से आया, तो लेकिन बाद में पता लगा वो बालाजी स्टूडियो वाला था। तो आपस में दोस्त थे, मैंने कहा ये सिस्टम जो इन्होंने शुरू किया ना, ये जरूर राइज करेगा, हम आपस में बात कर रहे, मैंने जरूर राइज करेगा। और हमारी बात थी, देखते देखते हमने कहा कि वो वहाँ तक पहुँच गए, मेरे ख्याल से शायद मेट्रो सिटी तक कई जगह बालाजी स्टूडियो वाला जाते जाता है। तो उन्होंने जो काम, जो उनका विज़न है, जो उन्होंने चैनल बनाया है, निश्चित रूप से जो उनका डेडिकेशन, जो मैंने आपको अभी कहा कि अगर आपको किसी काम को करना है और पूरी ईमानदारी से और पूरे डेडिकेशन से यदि आप काम को करेंगे तो काम में सफलता मिलेगी। और आपका सेटअप सारा है, विज़न आपके पास है और सोच भी है ये करना है, तो निश्चित रूप से ये सफल होगा। और इससे हमारे लोकल कल्चर को और लोकल की एक्टिविटीज़ को, उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब वो ज़्यादा एक्सप्लोर होंगी, ज़्यादा लोगों तक जाएंगी, या जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं जब वो लोगों तक जाएंगी, तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट वहाँ तक भी जाएगा, शहर का भी नाम होगा और इकोनॉमी भी डेवलप होगी। ये सब चीज़ें हैं, सब मेरे इंटरेक्ट हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं तो आपका बालाजी चैनल का आभार भी व्यक्त करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ, गंगा मैया सामने प्रार्थना भी करता हूँ कि गंगा मैया के आशीर्वाद आपके साथ रहे और आप दिन दूनी राज्यों में तरक्की करें और आपके माध्यम से ऋषिकेश भी तरक्की करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया और अपने कीमती विचार जो हमारे बीच में रखे, हमारे साथ शेयर किए। आपकी अग्रिम जो भी आपके काम हैं, जो भी एंडेवर आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।